देखिए जी हमारे बन रहे हैं शहरी के पराठे, और इधर हो रहा है सालन गरम अचार गोश्त का, और इधर गरम हो रहा है धुआं गोश्त का, और ये बनने लगी है अब आमलेट। ये देखिए ये हमारी लग गई है सहरी, और अब हम करेंगे सहरी पराठों के साथ। अब मैं ये लेग पीस फ्राई करूंगी, और इसके लिए मैं पहले लेग पीस को करूंगी बॉयल। तो ये मैंने काली मिर्च और लौंग डाले हैं इसके अंदर तकरीबन आधा टेबल स्पून, और मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन आधा टेबल स्पून, और कुछ भी लाल मिर्च डालूंगी तकरीबन आधा टेबल स्पून, और जाएगा इसके अंदर नमक आधा टेबल स्पून। मैं इनको मैं जब बॉइल कर लूँ फिर मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब मैं बनाऊंगी चिकन पॉकेट्स, उसके लिए मैंने किया है ये थोड़ा सा प्याज, उसको करूंगी मैं ऑयल में सौते, मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, मेरे पास चिकन बोल रहा है, थोड़ा सा चिकन का कीमा है मैं इसमें डालूंगी, इसको करूंगी अच्छी तरह से फ्राई। अब इसमें मैं डालूंगी आधी टी स्पून लहसुन, आधी टेबल स्पून है नमक की, और इसमें डालूंगी किसी भी लाल मिर्च है तकरीबन आधी टेबल स्पून, और इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च तकरीबन आधी टी स्पून, और ये हमारा चिकन पॉकेट के लिए मटीरियल बनना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस, थोड़ी सराचा चिल्ली सॉस तकरीबन दो टेबलस्पून, और जो मैंगोज की पेरी पेरी सॉस तकरीबन एक टेबल स्पून, और इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन, मस्टर्ड तकरीबन मैंने दो टेबल स्पून डाला है। अब मैं इसको हल्की आंच में कुछ कर लगाऊंगी, ये मसाला तैयार हो गया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पॉकेट का मटेरियल हमारा बन के तैयार हो गया, और इधर देखें ये चिकन हमारा बॉयल हो रहा है। अब मैं बनाऊंगी माश की दाल के भल्ले, और इनकी आपको रेसिपी दूंगी। अब ये माश की दाल के दो कप चाय वाले मैंने रात को भिगो दिए थे, अब इनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड करके देखे इस तरह की पेस्ट बना ली है। अब इसमें लूंगी मसाले, में बनाऊंगी माश की दाल के बड़े यानी के दही बड़े, इनमें मैं डालूंगी तकरीबन 1/4 सोडा मीठा सोडा, और इसमें मैं डालूंगी आधा टेबल स्पून नमक, और आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च। इनको मैं कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स, और इनको तकरीबन मैं आधा घंटा रेस्ट दूंगी, फिर मैं इनके बड़े निकालूंगी। अब मैं ये निकाल रही हूँ बड़े, इनके सालन वाले चम्मच के साथ निकाले, छोटे चम्मच के साथ नहीं। अब बड़े निकाल के मैं इनको डालूंगी पानी में, अगर जिस वक्त सर्व करना होगा उस वक्त मैं इसमें दही शामिल करूंगी, वरना ये सारा दही पी जाएंगे। अब देखे बल्ले हमारे हो गए हैं गोल्डन, अब इनको मैं निकाल के डालूंगी पानी में। देख कैसे फूले हुए हैं, बस दाल को अब रात को भिगो दे,
दो कप दाल रात को भिगो दें, माश की दाल दो कप और आधा कप चनों की दाल, वो भिगो दें पानी में रात भर और सुबह उठ के उसको जग में डाल के ग्राइंड कर लें। ये पानी में थोड़े नरम हो जाए फिर मैं इनको डालूंगी डोंगे में। अब मैं बनाऊंगी पिन व्हील सैंडविच। इसके लिए मैंने ये एक चिकन को मैश करके और इसमें नमक मिर्च, एक चिकन के ब्रेस्ट को बॉईल करके और उसको मैश किया हुआ और इसमें नमक मिर्च और नमक और काली मिर्च सिर्फ डाली हुई है और मैं इसको मैंने सैंडविच की पेस्ट बना लिया। अब इसको इस तरह करके बेलन फेर के दबा लूँगी। इसी तरह दूसरे स्लाइस को भी बेलन फेर के अच्छी तरह से दबा लूंगी। इसी तरह से तीसरे स्लाइस को भी मैं अच्छी तरह से इसको भी मैं दबा लूंगी। इसको लगाऊंगी हल्का सा पानी। अब इनको मैं शिफ्ट करूंगी प्लास्टिक को। ये देखिए इस तरह प्लास्टिक में काट लूंगी। अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं केचप। हम एक बनाएंगे केचप के साथ और एक बनाएंगे हम चिली सॉस के साथ। अब इसके अंदर डालूंगी मैं चिकन। चिकन को आपने सिंपल बॉईल करना, नमक काली मिर्च डाल के और इसको मैश कर लेना। ये डाला हमने चिकन। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी गाजर। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी आइसबर्ग। आइसबर्ग आपके पास हो तो फिर डालें, नहीं है तो आप सलाद के पत्ते सिर्फ डाल लें। और इसमें जाएंगे थोड़े से सलाद के पत्ते और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जैतून। इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़े से जैतून।
ये डाल दी इसमें। अब हमने करना है इसको रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम रोल करते जाएंगे। इसको मैं रोल करके रख दूँगी आधा घंटा के लिए रेफ्रिजरेटर में। अब आधे घंटे के बाद मैं इसको निकाल दूँगी। अब ये देखिए मैंने बड़े पानी से निकाल लिए हैं। अब इनको मैंने हाथों से निचोड़ निचोड़ के साथ दबा दबा के इनको मैं डोंगे में रखी जाऊँगी और जिस वक्त हम करेंगे सर्विंग उस वक्त फिर मैं इनको इनके ऊपर दही डालूंगी। अब मैं ये पिन व्हील सैंडविच के कटिंग करूँगी। अब उसको आधा घंटा मैंने रेफ्रिजरेटर में रख लिया था। अब मैंने इसको निकाला है। मैं करूँगी इसकी कटिंग। बन रहे हैं पकौड़े अफ्तारी के लिए और ये चिकन बॉयल हुआ है। अभी इनको इसको करेंगे फ्राई। ये बन रहा है टैंग अफ्तारी के लिए मैंगो का। ये देखो लेग पीस को बैटर लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के रख दिए हैं। लेग पीस को बैटर और ब्रेड क्रम्स ला के पहले सारे रखे जाएंगे और फिर इनको कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लेग पीस। मैं बड़ों के ऊपर डालूंगी दही। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी इमली की चटनी। ये डोंगा मैं अपनी दोस्त के घर दे दूंगी इसलिए मैं ये भी तैयार किया है। आज 20वां रोजा है और आज तकरीबन ताक रात है। आज रात इबादत की रात है। आज रात लोग इतिकाफ में बैठेंगे। बहुत बरकतों वाली रात है। रात में ज़रूर आप लोग भी इबादत कीजिएगा। नफल पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह से दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक करें। तो दुआओं में हमें भी याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सहरी के वक़्त। सहरी के व्लॉग में हम मिलेंगे। बस आजकल हम लोग ईद की तैयारी में लगे हुए हैं। हफ्ते वाले दिन मैं करूँगी अपने रिलेटिव्स की अपने अजीज़ों क़ारिब की इफ्तारी और फिर उस पर बनाएंगे इंशाल्लाह व्लॉग और आपको इफ्तार पार्टी दिखाएंगे। तो दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाया करें ताकि आने वाला हर नया व्लॉग आपको मिले। तो अल्लाह हाफिज़।